किसने हमारे शाही बावर्ची खाना में शादी रचाई। भैंसों का इंटरव्यू बड़ा मजे का होता है, वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू देती है। तो फाइक और रिचा ये बताओ, किसी एक भैंस ने गाय ने मेरे दफ्तर के बाहर आके प्रोटेस्ट किया कि जो तर्जमा अमीन हफीज ने किया वो गलत है। मैं कहा वो गोरा गोरा मर गया। कहते नहीं, हम पूछ रहे हैं अमीन ये गोरा किस कंट्री का है, उस किस कहां का शहरी है। मैं कहा नहीं यार, ये वो वाला गोरा नहीं है। सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया और ये कहा कि आप पाकिस्तान के पहले रिपोर्टर हैं द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिस रिपोर्टर को ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। लाहौर की लड़कियां लाहौर की सड़कों पर अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर हैं। जो तो जो लोग मिलते हैं ना वो कहते हैं अमीन हफीज साहब ऐसे पप्पी करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं मुझसे। पुलिस वालों को तो यूनिफॉर्म में देखा है, आज पुलिस के टीवी पे बैठ के कलरफुल दुनिया में दाएं बाएं रंगो नूर मजा आया। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामने उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाजिन, आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है वो बैन अल-अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता है। उनकी शोहरत की वजह आपको बताते चलें कि जो हमसाया ममालिक है उन्होंने भी उनको काफ़ी सराहा है। बिल्कुल, और उन्हें 2018 में सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया और वो फर्स्ट जो है वो रिपोर्टर थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी काम हो जब आप लगन से करते हैं, जब आप दिल लगा कर उस काम को करते हैं तो वो जो है आपका नाम बन जाता है और जो है दुनिया आपको रिकग्नाइज करती है। तो आइए पूछते हैं कि उनकी शोहरत की वजह उनका अंदाज था या फिर रिपोर्टिंग थी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अमीन हफीज, उनको वेलकम करते हैं। सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हुई। पुलिस वालों को तो यूनिफॉर्म में देखा है, आज पुलिस के टीवी पे बैठ के कलरफुल दुनिया में दाएं बाएं रंगो नूर मजा आया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, सवाल पहले आपसे यही करेंगे कि सहाफत की दुनिया में बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं, आखिर क्या वजह थी कि अमीन हफीज जो नाम है लोगों को हिफ्स हो गया? देखिए जी, लोग तो ये कहते हैं मैं हूँ, नहीं यूं कह लें, कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज। अमीन हफीज सबका है, सबकी बात करता है और सबके मसाइल वो किसी से भी रिलेटेड हों, वो सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हों, आम शहरी के हों, सोशल इश्यूज हों, अमीन हफीज हर जगह हर वक्त सबसे पहले अपना फर्ज अदा करता है इंफॉर्मेशन। तो आप समझते हैं कि जो आपका अंदाज है ये आपकी शोहरत की वजह बनी या फिर आप समझते हैं कि जो आप रिपोर्टिंग करते हैं वो ज़्यादा कैपेबल थी? देखें, आपस की बात है कि मैं तो समझता हूँ जी, जो मैं आज तक देखता रहा, जो मैं सुनता रहा, जो मालूमात मेरे तक आती हैं, जो मसाइल मैं देखता हूँ, मैं उसको बड़े सिंपल अंदाज में बयान करता हूँ। लोग कहते हैं ये अमीन हफीज का स्टाइल है, भाई अमीन हफीज ने खबर दी है ना, तो अमीन हफीज का स्टाइल होगा। तो मतलब मैंने कभी इंफॉर्मेशन देने में और उसको छुपाने में या किसी को तंग करने में या किसी को फायदा देने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दी, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन के तौर पे पास ऑन की। अच्छा अमीन साहब, कभी सोचा था कि जो आपका मखसूस अंदाज है वो उसे इतनी पज़ीराई मिलेगी कि हम साया ममालिक भी जो है वो आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, वो उनके बगैर रह नहीं सकेंगे, कभी ऐसा सोचा था आपने? नहीं, ये तो मैंने कभी, सच्ची बात है, नहीं सोचा। मैंने तो हमेशा जर्नलिज्म की, और जर्नलिज्म में तो होता है ना कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, और बाकी मेरा अंदाज ये है कि जब भी मैं किसी इशू पे काम करता हूँ मैं ये समझता हूँ कि मैं इसी के लिए पैदा हुआ था, यही काम मैंने करना था और यही काम मैंने करना है, उसमें खो जाता हूँ और मैं नहीं देखता कि मैं जो कर रहा हूँ लोग इसको किस तरह और लेंगे। जज करेंगे जो आप काम कर रहे हैं वो आप उसमें खुद को एक दफ़ा ढाल लें। सर, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल हफीज कुरैशी साहब, वो SSG कमांडोज थे, वो एक बात कहा करते थे कि बेटे यहाँ काम करो या ना करो, ये नहीं कहना रो पिट के हाय अम्मी नहीं गोश्त मैंने लेने नहीं जाना, गोश्त खत्म हो गया होगा, सब्जी खत्म हो गई होगी, मैंने नहीं जाना, वो खत्म हो गया होगा, रोना नहीं है, या काम करें या काम ना करें। और जब काम करना है तो फाइक साहब एक बात बड़ी क्लियर है कि आप फिर उसमें उसके हो जाए,
ठीक है, आप कहते हैं ना कि कुछ भी बन जाए, देखो मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं प्रोफेसर नहीं बना, मैं साइंटिस्ट नहीं बना, लेकिन मैं रिपोर्टर बना, मैंने रिपोर्टर करके रिपोर्टिंग करके इस शोबे में मेहनत करके मैंने साबित किया कि आप किसी भी शोबे में जाएं अगर आप उसमें एक्सेल हो जाते हैं तो फिर लोग आपका नाम। अच्छा अमीन साहब, आप पहले रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के जिन्हें 2018 में सदारती अवार्ड भी दिया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैं जब भी दफ्तर में काम करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा टाइम काम करूँ और ज़्यादा इश्यूज के ऊपर मैं नज़र रखूँ और उसमें जो इशू मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है मैं उस पर काम करता हूँ, जब बहुत ज़्यादा काम करता हूँ तो लोग मेरे कुलीग बाज़ात मुझे ये कहते हैं कि आप क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, क्यों इतना खो जाते हो काम में और आपको होश भी नहीं होती कि आपने अभी घर भी जाना है, आप दफ्तर में लेट भी बैठते हो। तो मैं समझता हूँ कि जब लोग मुझे पब्लिकली ये कहते हैं कि आप अमीन हफीज़ हैं और लोग अपने मसाइल मुझे बताते हैं, ये कहते हैं कि आपको हमने आपका ये इशू बताया था, अपना इशू वो आपकी वजह से खबर देने की वजह से हल हो गया, तो जितना सुकून आपको मिलता है। और फिर जब सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया और ये कहा कि आप पाकिस्तान के पहले रिपोर्टर हैं द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिस रिपोर्टर को ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों का शुक्र अदा करते हैं कि जो मेरा हमेशा मेरे लिए दुआएं करते हैं और मुझे अच्छे सा अच्छा काम करने का हमेशा मुझे मशवरा देते हैं। सर आपने तो भैंसों का भी इंटरव्यू कर लिया, ये जानवरों का भी किया। देखिए भैंसों का इंटरव्यू बड़ा मजे का होता है, वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू देती हैं, भैंसें दूध भी देती हैं, भैंसों की हर चीज कारामद है, आप उनसे सवाल करके देखें। एक दफा मैंने जा रहा था तो वो देखा कि भैंस जो है ओवरहेड ब्रिज वो उतर रही है। अब ओवरहेड ब्रिज तो इंसानों के लिए बना है ना कि वो सड़क क्रॉस करेंगे तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है, तो ओवरहेड ब्रिज बना दिया गया। अब इंसान ओवरहेड ब्रिज यूज ना करें और वो जानवर यूज करें और वो भी गाय भैंस यूज करें, तो क्या अमीन हफीज उस गाय भैंस को ये ना पूछे कि आप पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा या मुश्किल? जब वो मैंने साथ ही माइक उसके मुंह पे मारा तो उसने ऐसे आवाज निकाली, तो मैंने फौरन तर्जमा किया कि भैंस ये कह रही है कि किसी भी जानवर के लिए पुल चढ़ना या पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। तो मैंने तर्जमा किया, लोग कहते थे अमीन हफीज ने जो भैंस की इसको भाषा और जुबान कैसे आ गई, तो मैंने समझा, मैंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में और इंडिया ने इसको इतना ज्यादा इस इशू को उछाला, तो मैं कहता हूँ देखिए पाकिस्तान में इंडिया में और पूरी दुनिया में कितनी भैंसे हैं और कितनी ज्यादा तादाद है, ये करोड़ों में अरबों में तादाद है। तो सब ने मेरा इंटरव्यू देखा ना, मेरा तर्जमा भी देखा, तो फाइक और रिमचा ये बताओ किसी एक भैंस ने गाय ने मेरे दफ्तर के बाहर आके प्रोटेस्ट किया कि जो तर्जमा अमीन हफीज ने किया वो गलत है? नहीं किया ना, नहीं किया। तो जो तर्जमा मैंने किया उसको मान लें। अच्छा अमीन साहब, आप जहाँ पे भी जाते हैं वही गेटअप जिस तरह शाही के लगे, तो आपने ऐसा कॉस्ट्यूम पहन लिया जो कि बिल्कुल एक मुगलिया दौर का अटायर था, बिल्कुल बादशाह सलामत थे। मतलब आप एक एक्टर हैं, आप एक एंकर हैं, आप एक्टिंग भी साथ साथ करते हैं या एक रिपोर्टर हैं, ये अंदाज किस तरह है और आप जरा आज आवाम को बताएं कि आप हैं क्या? आखिर सर आप हैं क्या? हम जरा प्यार वाले अंदाज से पूछते हैं। हम अमीन हफीज हैं और अमीन हफीज की पहचान ये है कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसमें खो जाता हूँ। क्या बात। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं बादशाह सलामत बना हुआ हूँ तो मैं फिर बादशाह सलामत। अब देखिए ना, एक शाही किला है, ये इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट का हिस्सा है, ये हेरिटेज है हमारा, यहाँ पर कोई शादी नहीं हो सकती। अब अगर कोई शरीफ आदमी हुकूमत को ये कहे कि मेरा जो अपनी हमारी ये इंस्टीट्यूशन है हम उसका एनुअल डिनर करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर वो अपनी बेटी की शादी रचा ले, अब ये तो इजाजत नहीं थी, परमिशन में भी लिखा था कि शादी अलाउ नहीं है, अगर होगी तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी, आपको फाइन होगा, ये लेटर में लिखा था। अब उन्होंने खिलाफ वर्जी करते हुए शादी कर ली। अब सारे रिपोर्टर उधर जाके शाही किले में कह रहे थे कि ये वो जगह है, ये वो फूल है, ये वो स्टेज बनी हुई है, यहाँ पर लड़कियों ने डांस किया, यहाँ पर मेहंदी की रस्म हुई, ये लोग बता रहे थे। अब अमीन हफीज ये नहीं करता। अमीन हफीज ने क्या सोचा कि देखें अगर मुगलिया दौर होता और बादशाह सलामत होते और बादशाह सलामत की मर्जी के बगैर शाही किले में शादी होती, तो रिमशा मुझे बताओ बादशाह सलामत क्या करते?
फाइक साहब आप मुझे बताएं, तो बादशाह सलामत यही करते ना कि पूरे जोबन में आके ये कहते किसने हमारे शाही बावर्ची खाना में शादी रचाई, यूं तलवार निकाल के सजा मिलेगी कैमरामैन। तो ये देखो ना, मैंने बात वही एक्सप्लेन की कि खिलाफ वर्जी हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और अब गलती हो गई है, सजा मिलेगी। तो मैंने वही, अब ये जो मैंने कोई स्पेशल ड्रेस नहीं सिलाया था, आप अगर लाहौर फोर्ट गए हो तो वहाँ शीश महल है, शीश महल में एक बंदा वो ड्रेस मिलता है, आप 200-300 रुपए देते हैं, ड्रेस पहनते हैं और तस्वीर उतारते हैं और ड्रेस वापस करते हैं 200-300 रुपए देते हैं। मैंने भी ड्रेस नहीं सिलवाया, वही 200-300 रुपया दे के ड्रेस पहना, बादशाह सलामत वाला ताज पहना, वो जेवरात वो पहने और जेली जेवरात थे और वो तलवार भी ली, वो असली नहीं थी, जेली थी, लेकिन मैंने यूं तलवार निकाल के कहा कि किसने हमारे शाही बावर्ची खाना में शादी रचाई, सजा मिलेगी। तो ये मतलब आप बात को अच्छे अंदाज में कहें। देखो ना, लोगों के गम बहुत ज्यादा है, हर बंदे को घर से दफ्तर से फैमिली से दोस्तों से परेशानी है, बहुत ज्यादा। तो यार टीवी स्क्रीन से तो परेशानी ना होनी चाहिए। अब कोई देखें, जो आम नाजरीन है ना, उनके हाथ में 10-20 नहीं, 50-60 बल्कि अबव 100 उसके हाथ में चैनल्स हैं। आप किस तरह उसको रोकेंगे कि वो जब मेरे ऊपर आए तो बस चेंज ना करे। हाँ, चेंज ना करे उसको। सर आप बहुत सारे एंकर्स भी हैं जो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे ज्यादा मशहूर हैं, तो हम भी एंकर हैं, आप हमें भी कोई टिप दें कि एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या करना चाहिए और इस तरह से शोहरत किस तरह हासिल की जा सकती है। फाइक साहब और रिमशावान, मैं कोई मतलब मैं दानिश्वर नहीं हूँ, मैं तो खुद जर्नलिज्म का एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो कोई नसीहत और कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, आप रिपोर्टर हैं, आप एंकर हैं, आप एडिटर हैं, कॉलम नवीस हैं, आप सहाफत के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, आपने दो काम अपने हाथ से नहीं छोड़ना। नंबर वन, ईमानदारी और दयानतदारी, ये आपने अपने हाथ से नहीं, ये दो एलिमेंट हैं जिनको नहीं छोड़ नंबर दो, कोई काम करें दिल से करें, उसमें खो जाएं, ये ना कहें कि मैं डॉक्टर बना हूं तो मैंने तो इंजीनियर बनना था, मैंने तो प्रोफेसर बनना था, मैं किधर आ गया हूं, ये गलत जगह है, मुझे तो वो वाला बड़ा अच्छा है, वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मैं कहां फंस गया हूं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूं मुझे कुछ और बनना था, ये नहीं बनना था, तो फिर क्या होगा, ना आप वो बन सके, ये आप बने हैं तो इससे आप इंसाफ नहीं कर रहे, तो आप फिर तरक्की नहीं कर सकते। अमीन हफीज साहब, आपने अपने अंदाज में आज तक जो है लाहौरी ज़ुबान को और लाहौरी अंदाज को ज़िंदा रखा, जिस तरह कराची की बोली एक स्पेसिफिक है, पठानी है वो, मतलब पठान जब उर्दू बोले पता चलता है कि वो पठान है, इसी तरह जब आप रिपोर्टिंग करते हैं ख़ास तौर पे लाहौरी अंदाज में और बड़े गलत भी, मतलब रिसीव एक दो वाक़ात हमने देखा कि आपने घोड़ों की जगह गोरों को मार दिया और पेट्रोल पर आपने बड़ी एक दिलचस्प रिपोर्टिंग की, उसके हवाले में बताइएगा। रिमशावान, ये देखें मैं आपको एक बात हूँ, मैं कुछ ओवर नहीं करता जी, मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैं जो करता हूँ वो होता है जी। अब देखें ना, गोरा मर गया, मतलब मैं शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब से बाहर निकला तो वहां पर एक गोरा मरा हुआ था, तो मैंने फौरन दफ्तर फोन किया, मैं क्या इस तरह शिमला पहाड़ी के पास अमेरिकन सेंटर के बाहर ना गोरा मर गया, तो उन्होंने कहा जी गोरा गोरा किस मुल्क है, मैं क्या वो गोरा मर गया, कहते नहीं नहीं हम पूछ रहे हैं अमीनी गोरा किस कंट्री का है, उस किस कहाँ का शहरी है, तो मैं क्या नहीं यार ये वो वाला गोरा नहीं है, वो वाला गोरा। तो वो जो पेट्रोल वाली बात है, देखें मैं लाहौर का पला हुआ हूँ, लाहौरी अंदाज मेरे अंदर रचा बसा हुआ है, अगर मैं ये करूँ कि वो घरे ते कुकरी बैठी है, चिरी बैठी, चिरी नू रोरा मारिया, चिरी फुर करके उड़ गई, तो ये तो मैं गलत नहीं कह रहा। अब पेट्रोल खत्म हो जाए तो लाहौर की लड़कियां अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांध कर चलाने वाली, मतलब उनके पेट्रोल खत्म हो गया ना, रुकी है, उन्होंने गोरा साथ बांध लिया, और ये सीन मैं यूं फिल्मा रहा हूँ कि शहर में पेट्रोल नहीं मिल रहा तो मैं एक गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी के आगे गोरा लेता हूँ, गोरे को गाड़ी के साथ बांधता हूँ और खुद दूल्हे की तरह पेंट कोट टाई पहन के गोरे के ऊपर बैठ के मैं ये कहूँ कि लाहौर की लड़कियां पेट्रोल ना होने की वजह से, लाहौर की लड़कियां लाहौर की सड़कों पर
अपनी गाड़ी गोरे के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर है। तो मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? हाँ, मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ उर्दू, लेकिन कहने वाले और रमीशा आप भी तंकीद करने वाले की तरह आप भी शामिल हो गए हैं। आपने भी कह दिया कि मैं गलत उर्दू बोलता हूँ। मैं उर्दू गलत नहीं बोलता, नहीं आपने अंदाज जिंदा रखा। मेरा स्टाइल ये है कि लाहौर की सड़कों पर लाहौर की लड़कियां अपनी गाड़ी को गोरे के साथ बांध कर चलाने पर मजबूर है। तो फाइक सब बताएं मैंने कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही गलत बात नहीं है। ये लाहौरी अंदाज है। मुझे तो जो लोग मिलते हैं ना वो कहते हैं मीन फी साहब ऐसे पक्की करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं मुझसे, और कहते हैं मीन साहब एक काम आपने करना है, अब जो भी जर्नलिज्म करें लेकिन ये जुबान लाहौरी स्टाइल आपने नहीं छोड़ना। जब आप टीवी पे आते हैं ना तो हम बिरूने मुल्क बैठे होते हैं, हम जब टीवी देखते हैं और उसमें आपको देखते हैं तो लाहौरी अंदाज को देखते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता। अच्छा अमीन हमीद साहब, अब जो है हमारा मॉर्निंग शो का साइन ऑफ आप करेंगे, अपने अंदाज में मॉर्निंग शो का साइन ऑफ कैसे करेंगे जरा आपके हाथ में। आपका एक अंदाज होता है रिपोर्टिंग का, इस वक्त जो हमारा शो है वो खत्म हो जा रहा है, तो आप इसको किस तरह से वाइंड अप करेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद फाइक और रिमशा अवान के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।